नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। मैंने कब कहा कि मुझे गुलाब दे या फिर अपनी मोहब्बत से नवाज दे। आज बहुत उदास है मन मेरा, गैर बन के ही सही तू बस मुझे आवाज दे। जी आपने सही सुना, हम आज के दिली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करे। लफ्जों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। आपको भी हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा और मीठा ही बोले। याद रखिएगा कि कभी भी किसी का दिल ना दुखे ऐसे शब्दों का ही हमेशा प्रयोग करें। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपको परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। जिंदगी में कभी हार मत मानना, आपको भी जिंदगी मौके देती आई है। जब आप मेहनत पर मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी मिल जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी जिंदा है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो कलर रहने वाला है वो रहेगा वाइट, यानी कि सफेद रहेगा। आप इसके लिए लाइट डार्क वगैरह देख सकते हैं, दोनों चीजें चलेंगे। वहीं आज आपके लिए लकी जो नंबर है वो नंबर 9 रहेगा, 9 रहेगा। आज सितारे कहते हैं कि मित्र परिवार के साथ बिताया गया समय एक दूसरे को समझने में आपकी मदद कर सकता है। आज आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा है, लेकिन सभी लोग आपके मित्र बने रहें। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मित्र बना रहे। घर की बातों की चर्चा बाहरी व्यक्ति से मत कीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नर्सरी वाले जो बिजनेस हैं आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी हॉबी के तौर पर ही रखिएगा। इसको जरा अपना प्राइमरी मत बनाइएगा, सेकेंडरी समझ सकते हैं। साथ ही में इसको व्यवसाय का रूप देने में हड़बड़ी भी मत कीजिएगा। इसी के साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपको सफलता हासिल मिल सकती है। फैसला जो है वो आपके पक्ष में ही होता नजर आएगा। आपकी राशि के लिए भाग्य और ग्रह की स्थितियां बेहतरीन समय का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक और व्यवसायिक दोनों जगह आपका दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा। आज आर्थिक स्थितियां बेहतर रहेंगी। किसी भी स्थिति में अपना काम निकलवाने में आप सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कार्य बहुत ही ज्यादा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि किसी प्रकार के नुकसान होने की आज शंका भी बनी हुई है। आज फिजूल के कार्यों में जो है पैसा भी खर्च होगा। अगर विदेश संबंधी से कोई भी योजना बन रही है तो अभी आप उसे टाल दें या फिर स्थगित कर दीजिए, क्योंकि ये भी उसका उचित समय नहीं है जैसा कि अभी स्थितियां बनी हुई है। इसी के साथ ही आज दिन की शुरुआत में उत्साहवर्धक खबर मिलेगी। अपनी कला से और अपने ज्ञान से नई चीज का निर्माण हो सकता है आपके लिए। पैसे संभल कर खर्च कीजिएगा वरना बजट गड़बड़ा सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने में ध्यान दीजिए। ठीक समय पर ठीक वस्तुएं खरीदिए। वस्तु आप किराए पर मिल सकते हैं आपको जैसा कि आप चाहते हैं, जैसे कि आपका जो वास्ता है अगले 2 से 3 सालों तक होगा। यानी कि अगर आप कहीं रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से चीजें मिल सकती हैं। पुरखों से मिली जमीन विवाद का कारण बन सकती है, इस बात पर जरा सोचिएगा समझिएगा। झगड़ा भी हो सकता है लेकिन आपको इससे बचना होगा, जिसका हल समझौते से ही मिलेगा। आज जो है कोर्ट कचहरी के जो काम है वो टालने की कोशिश अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फैसला आपके पक्ष में ही रहेगा। साथ में ऐसे दारे ये भी कहते हैं कि पैतृक संपत्ति या फिर वसीयत से जुड़े मामले आज आपके सॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए आप लगातार प्रयास करते रहिएगा। आज आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्य को कंप्लीट करने में लगेगा और आप इसमें सफलता भी हासिल कर पाएंगे। घर में आज कोई धार्मिक कार्य या फिर आयोजन हो सकता है, जिससे कि पूरे घर में आज पॉजिटिव ऊर्जा लगातार बनती रहेगी। किसी किसी समय आपके व्यवहार में अकारण ही गुस्सा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी सभी प्लानिंग्स को आप गुप्त रखिएगा, नहीं तो कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपकी योजनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की।
तो आज कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों पर बहुत ही अधिक विश्वास ना करके सभी जो गतिविधियां हैं उन पर आप अपनी उपस्थिति रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ में लेने से बचिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की पेनल्टी लगने के हालात बन सकते हैं। इसलिए आज आपको जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर करना है। साथ में कला शाखा के विद्यार्थी नए उपक्रम की शुरुआत करेंगे, अपना टैलेंट जो है आप आगे बढ़ चढ़ कर दिखा सकते हैं सबको, और इसको आप अपने बिजनेस और करियर का रूप भी दे सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें आज किसी तरह का नुकसान होने के संकेत बन रहे हैं, इसलिए उचित सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आज अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, वो इससे निकल चुके हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पार्टनरशिप में किया हुआ काम आज बहुत ही हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज बहुत ही अच्छा रहेगा, आसानी से आज आपको लोन मिल सकता है। तो चलिए बिजनेस और करियर के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि पार्टनर का ईगो आपका मन को दुखा सकता है। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसको सौहार्दपूर्ण बनाकर रखने में सक्षम रहेगा। आज आपको एक दूसरे का साथ देना होगा। आज आपके अहम की वजह से जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है वो खराब भी हो सकते हैं। अपने गुस्से पर, अपनी चीज़ों पर, अपने जो स्वभाव है उस पर आपको काबू रखना होगा, जिसका जो नेगेटिव असर आपको घर में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए समझदारी से काम लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। साथ में जो लोग नए रिश्तों के बारे में ढूंढ रहे थे उनको रिश्ता मिल सकता है, और जल्दी ही आपकी बात पक्की भी हो सकती है, और कुछ ही देर में आपका शादी भी हो सकती है। साथ में जो लोग अपना हम सफ़र तलाश कर रहे हैं, सिंगल्स वगैरह, उनको भी मिल सकता है, और काफ़ी जो ज़्यादातर लोग हैं आज के दिन सोशल साइट पर बिजी रहते नज़र आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आज स्वास्थ्य बाकी लोगों का उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा। शराब आदि पीने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका। काम की अधिकता की वजह से आप गुस्से भी हो सकते हैं, जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा, इसके सावधानी बरतनी होगी आपको। आज आपको चश्मे का नंबर भी चेक करवाना पड़ेगा, सिर दर्द को अनदेखा मत कीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है किसी संत सतगुरु का प्रवचन सुनना चाहिए, इससे जो है आपको अपनी खामियों के बारे में पता लगेगा और आप अपनी खामियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप एक सुंदर और सुशील इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।